पुलिस वाले मैडम्स वगैरह यहाँ पे नाश्ते का आनंद लेते हुए फिर से एक सिग्नल का सामना करते हुए ये मारू अहमदाबाद स्वच्छ अहमदाबाद स्वच्छ पर फिर से आजकल के बड़ी बड़ी डील बहुत करने लगा मैंने आपको विदाउट मास्क नो एंट्री कैसे वाका जी सोनी बढ़िया ना फर्स्ट टाइम हम कॉफी का जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर काफी खूबसूरत लग रही है कॉफी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद के साहिबाग विस्तार में आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ साहिबाग से और आज हम आ गए हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट यहाँ पे कुछ लोग तो शादी करते आते हैं तो उसका रजिस्ट्री करवाने आते हैं कुछ लोग जो होते हैं कुछ ऐसे काम करते हैं कि उनको तारीख पे तारीख देने के लिए आना पड़ता है लेकिन हम लोग एक नेक काम के लिए आए हैं क्या है नेक काम वो हम आपको आगे बढ़ाएंगे और भगवान ना करे कि भी किसी को ऐसे कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़े तो फाइनली दोस्तों आपको नज़र आ रहा है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कोर्ट के अंदर हम लोग जाके आ चुके हैं मैं हूँ मेरे साथ में मेरा फ्रेंड है लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता एक्चुअली सीन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ मेरा जो फ्रेंड है उसकी नवी नवी शादी हुई थी मात्र 2.5-3 महीने आपने मेरे ब्लॉग में शायद उसका सीन देखा भी होगा उसकी सगाई में भी मैं था और शादी में भी था ये सारा किस तरफ जा रहा है उसके पापा फैमिली वाले वीडियो देख रहे हैं तो देखिए आपका लड़का है उसने ऐसा कहा बट लड़का सही है मेरा जो फ्रेंड वो सही है लेकिन जो लड़की है ना वो सही नहीं है यार 3 महीने के अंदर क्या बोल दिया बताया घर वालों से दूर हो जाओ माँ बाप से दूर हो जाओ मैडम तो फाइनली मामला जो है अदालत में पहुँच गया भगवान से कई लोग मुझसे भी पूछते हो ना कि जीतू भी शादी कब कर रहे हो कब करो मैं तो कहता हूँ ऐसी शादी हो उससे तो अच्छा ना हो बढ़िया यार देखो ऐसे चक्कर काटने पड़ रहे अब मामला कोर्ट में पहुँचा है वो लड़की ने मांग ऐसी रखी है ना मतलब 3 महीने हुए मात्र अपने लड़के ने जिस बच्चे को माँ बाप ने जन्म दिया जिस लड़के को माँ बाप ने जन्म दिया पाल पोस के बड़ा किया उसको उससे दूर कर रही है आती मतलब उसकी प्रॉपर्टी बोले मेरे को अलग मकान चाहिए वो चाहिए खूबसूरत है लड़की अपनी जगह है देखो खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है पर मुझे काफ़ी गुस्सा है मैंने आपको बोला था ना कि भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आए हम लोग जाके आता हूँ फिर बता दूँ क्या है सब पे क्या है वो तो अब ये है मैन क्लियरिटी देखो तो बहुत ही यार मुझे काफ़ी दुख हुआ और मेरा खास लंगोटे है यार बहुत दुख हुआ यार तो कोई नहीं चलो व्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू मतलब है ना अभी चलते हम आगे की ओर परेशान करते हैं कोर्ट का तो काम पूरा हो गया यहाँ का अभी चाय वाह पियेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे की ओर अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो कोर्ट से होके अभी हम जा रहे हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी वहाँ पे हमारे एक मित्र है उनका कैनेडा और का जो है ऑफिस है वहाँ मिलते हैं तो लगा हुआ भयंकर वाला ट्रैफिक खतरनाक वाला ट्रैफिक जो कि लाल दरवाजा आप देख पा रहे होंगे अति भयंकर ट्रैफिक है फाइनली ट्रैफिक से छुटकारा मिल चुका है और अभी हम यहाँ से जो है ब्रिज की तरफ जो है यूनिवर्सिटी वाला जो ब्रिज है लाल दरवाजा एलिस ब्रिज बोलते हैं जिसे तो एलिस ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं चुका है एलिस ब्रिज जो कि लकड़िया पुल भी बोलते हैं इसको अहमदाबाद में ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही पुराना ब्रिज है ये अंग्रेजों के जमाने का तो यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है आप देख पा रहे होंगे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है मरम्मत का रिपेयरिंग के कार्य चल रहा है ब्रिज मेंटेनेंस में चल रहा है अभी इस वक्त और सामने दो बिल्डिंग है अमेरिका की जो दो बिल्डिंग थी उसकी तरह अहमदाबाद की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए सामने गुजरात कॉलेज है ना तो ये है गुजरात कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज कहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऐसा तो पुलिस वाले मैडम्स वगैरह यहाँ पे नाश्ते का आनंद लेते हुए तो हमने इनसे रास्ता पूछा इन्होंने बहुत ही अच्छा रास्ता हमारे को गाइडेंस किया थैंक यू मैडम रास्ता बताने के लिए तो पुलिस वाली मैडम है जो कि अच्छे से रास्ता बताया इन्होंने हमारे को कहना चाहूँगा पुलिस वालों से घबराई मत चाहे पुलिस वाला हो या पुलिस वाली हो आप प्यार से पूछेंगे तो आपको प्यार से जवाब देंगे हमने रास्ता पूछा यूनिवर्सिटी का तो इन्होंने हमें रास्ता बताया गाड़ी ड्राइव करते हैं झाड़िया दोस्तों सीजी रोड जो कि आपको नजर आ रहा होगा लाउड एंड प्राउड सामने बैनर्स लगा हुआ फिर से एक सिग्नल का सामना करते हुए कुछ सोशल मैसेज दिए हुए मारू अहमदाबाद स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पे स्लोगन लगा हुआ सिग्नल अभी रेड है तो स्टॉप लेना पड़ेगा ले लिया हमने
पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते दोस्तों। फाइनली सिग्नल जो है खुल चुका है, बहुत ही शानदार नज़ारा सिग्नल खुलने के बाद का। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया सामने उसका ऑफिस, हम थोड़ा रॉन्ग आगे मेरे हिसाब से, रिटर्न हमारे को उस तरफ से लेना पड़ेगा। फिर से सिग्नल का सामना करना पड़ेगा, एक छोटा सा सिग्नल क्रॉस करने के बाद फिर से एक छोटा सा सिग्नल सामने आ चुका है। लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि इस बार जो ये सिग्नल पे छांव है, धूप नहीं है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का एक बार प्रोफेशनल ऑफिस का नज़ारा, ये सिग्नल फिर से खुल चुका है और अभी यहाँ से हमारे को राइट साइड जाना है। ये लॉ गार्डन आ चुका है दोस्तों, बहुत ही फेमस लोकेशन है अहमदाबाद का। लॉ गार्डन बोलते हैं यहाँ पे, एक ज़माने में बहुत सारे कपल्स आते थे, लेकिन आजकल जो है कपल जाते हैं रिवर फ्रंट पे बहुत ज़्यादा। सिग्नल का सामना कर दिया, लगभग तीसरा चौथा पांचवा सिग्नल हो गया है और हमें जाना है इस वक्त फिलहाल यूनिवर्सिटी। सामने इलेक्ट्रिक बस खड़ी है, ये भाई यार वो नहीं, सीधी रोड जाएगा यार ये हमारे भाई भी बहुत टाइम के बाद सिटी में आए हैं, तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं धनों को इस बार। तो ये टाइटन वॉच हब गर्मी कोचरी सर्वोदय हाउस, बहुत ही प्राइम लोकेशन इन अहमदाबाद। तो पांजरा पोल और ये आपको दिशा निर्देश देते हुए यूनिवर्सिटी का, फाइनली हम आ गए ऑफिस, इसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस है भाई का जो मिलने आए हैं। सी आई सी इमिग्रेशन करके नाम है, कनाडा वगैरह किसी को अगर जाना हो तो अभी हम भाई से मिलते हैं, क्या है उनका कामकाज वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधे ऑफिस में। तो ये है पूरा लिफ्ट एरिया, ये पूरा दिशा निर्देश कौन से फ्लोर पे क्या है, कौन से फ्लोर पे अपने फाइनली लिफ्ट का बटन हमें जो है लिफ्ट के पास आ गया है। 6 और 7 नंबर पे लिफ्ट है। कितना दूर है लेके आता हूं ये सब तो। ये कुछ फोन में लगा हुआ था, सुमित बड़ी डील कर रहा था एक बार फिर से। आजकल क्या बड़ी बड़ी डील बहुत करने लगा है, मैंने आपको आगे भी बताया, पहले भी अगले वीडियो में आपने देखा होगा, काम भारी हो गया सुमित का भी गया, लेकिन भी काफ़ी जगह आज भी ये देखने को मिल रहा है विदाउट मास्क नो एंट्री, ओनली 5 पर्सन्स अलाउड। लिफ्ट के अंदर 5 जने से ज़्यादा नहीं बैठ सकते और मास्क पहनना बहुत जरूरी, हालांकि मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन सुमित ने पहना है, ये फॉलो करता है आज भी। लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो चुका है, ओपन नहीं क्लोज हो चुका है। थर्ड फ्लोर लिफ्ट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, भाई का ऑफिस थर्ड फ्लोर पे है, तो मिलते हैं सीधा ऑफिस पे थर्ड फ्लोर पे। तो सामने आपको नजर आ रहा होगा CIC करके, जो मैंने आपको बताया आगे CIC इमिग्रेशंस, तो थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। प्लीज रिमूव योर शूज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमने जो है वो शूज उतार दिया। CIC इमिग्रेंट कंसल से ऑफिस में यहाँ पे भैया बैठा, कैसे भाई? बस एकदम मजे में ना, बस एकदम। तो चलिए भाई से मिल लिए, अभी अंदर मिलते हैं सीधा, कैसे? तो चलिए मैन ऑफिस में मिलते हैं। अरे परिचय कर, क्या बोले, क्या नाम है, क्या नाम है बॉस का? तो ये है आकाश जी सोनी, कैसे हो आकाश जी सोनी? बढ़िया ना। तो आज दो सोनी भाई मिल रहे हैं साथ में। यहाँ पे जो है हमने मंगाया जोमेटो से जो है कॉफी मंगाई है, देखिए जोमेटो की पैकिंग देखी, मतलब कैसे, मतलब एकदम, मतलब जोमेटो ने पैकिंग करके भेजा, काबिले तारीफ बोला। तो अभी इसको हम करेंगे ओपन, तो आकाश भाई इसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एकदम ओपन इसको, फर्स्ट टाइम हम कॉफ़ी का जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली कॉफ़ी का जो अनबॉक्सिंग हो गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है कॉफ़ी दोस्तों। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे ऑफिस में कॉफ़ी का आनंद। वैसे मेरी डायलॉग डिलीवरी आपको पता है, मैं चाय के लिए अपनी जान दे सकता हूँ तो किसी की जान ले भी सकता हूँ, लेकिन आज चाय का मामला नहीं है। आज जो इसका हम कॉफ़ी वाली से लड़ा बैठे, तो आपने गुजराती मूवी देखी हो कितने मारा माटे कॉफी केम मंगा हुई मतलब, तो आज मंगावी दीदी मतलब मंगावी दीदी, तो हमें अपने पीवी ने शुक्र। तो आकाश भाई केवी छे कॉफी? मस्त मस्त। आकाश भाई तुम्हें मारा माटे कॉफी केम मंगावी?
गुजराती फिल्म में गाई थी उसके अंदर, मतलब वो सीन, मतलब क्लाइमेक्स सीन था वाकई में वो, मतलब इस कॉफी के मुद्दे पे इतनी चर्चा होती है ना, मतलब वो बेचारा जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, मतलब जवाब दे दे के थक जाता है, लेकिन वो जो गर्लफ्रेंड होती है गुज्जू गर्लफ्रेंड, अमेजिंग, इट्स वेरी, आप लोग जाके देखना वो यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मारा माटे कॉफी क्यों मंगाए, खाली इतने सर्च में डाल देना आ जाएगा। हालांकि तो मंगाई दी थी दावे पीवी ने, अपने प्रेम नो जाहिर करी। सो अभी हम यहाँ पे आए थे तो मेरे फेवरेट वानर सेना यहाँ पे बैठे, आपको नजर आ रही होंगी, थोड़ी दूर बैठे, हालांकि मेरे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, ये डिस्टेंस में फिलहाल पार नहीं कर सकता, वरना मैं अभी जाता है पास में जो भी केले वाला यहाँ कुछ ऐसा मिलता तो ज़रूर मैं यहाँ पे, मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका था। जय श्री राम। फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूँ, उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।